नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि जिम्बाब्वे दौरा शुरू होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया के नए कप्तान घोषित किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वो कप्तान कोई और नहीं केएल राहुल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल फिट घोषित किए जा चुके हैं और अब वही टीम इंडिया की कप्तानी भी करेंगे। पहले आपको बता दें कि शिखर धवन को इस दौरे के लिए टीम का कप्तान घोषित किया गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने केएल राहुल की वापसी का ऐलान किया है। भारत को 18 अगस्त से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलनी है, जो हरारे में होनी है। दोस्तों अगर हम जिम्बाब्वे सीरीज के लिए या टीम इंडिया की स्क्वाड की बात करें, तो आपको बता दें कि सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है, जबकि शिखर धवन इस मुकाबले में उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। वहीं इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़, सुमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षय पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को मौका मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल आईपीएल 2022 के बाद से ही कोई मैच नहीं खेल पाए हैं। पहले उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए टी20 सीरीज में कप्तानी करनी थी, लेकिन सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले ही वह अनफिट घोषित किए गए और ऋषभ पंत को कप्तानी करनी पड़ी। दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी वह शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वह फिट नहीं थे। हाल ही में खत्म हुए वेस्टइंडीज दौरे के वक्त केएल राहुल को कोरोना हो गया था, इसके बाद से ही वह बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पसीना बहा रहे थे। दोस्तों ऐसे में अब केएल राहुल फिट घोषित किए जा चुके हैं और वो टीम इंडिया की कमान भी संभालेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया एशिया कप से पहले जिम्बाब्वे दौरे के खिलाफ जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर दे, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि केएल राहुल इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करे और एशिया कप से पहले अपने आलोचकों के मुंह बंद कर दे, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें।